हेलो दोस्तों, मैं हूं तिथुराज दास, आपका फिर से स्वागत करता हूं हमारे अपने ही चैनल और एडुकेशन पर। सो दोस्तों, हाउ डू आई क्रैक आईएएस प्रीलिम्स विद इन 3 months ऑफ प्रिपरेशन। मेरे को अभी 3 months बस बाकी है और मेरे को प्रीलिम्स क्लियर करनी है, तो ये मैं कैसे करूँ, आज इस वीडियो में इसी बारे में बात करने वाला हूँ। तो बने रहे मेरे साथ वीडियो में आगे। सो दोस्तों, फ्रेंकली स्पीकिंग, एकदम पहले ही मैं बता देता हूँ कि आईएएस या सिविल सर्विस इस देश का सबसे टफ एग्जाम है। मैं हर वीडियो में यही बोलता हूँ, और इसकी एक्सेप्टेंस रेट 1% से भी कम है। मतलब 1% से भी कम लोग सिलेक्ट होते हैं आउट ऑफ 100%। सो दोस्तों, 3 months में इसको क्लियर करना, एकदम अगर आप फ्रेशर हो तो ये बात मुश्किल है। वही लोग क्लियर कर पाएंगे इसको जिनकी प्रिपरेशन पहले से थोड़ी बहुत थी, या फिर जो प्रिपेयर करते करते थोड़ा डिसकंटिन्यू किए थे। अगर आप कंप्लीट फ्रेशर हो तो आपके लिए ये बहुत ही मुश्किल है। पहली बात तो, अभी अगर 3 months बाकी है आपके एग्जाम को, तो आप हर दिन करंट अफेयर्स को स्टडी करेंगे। हर द हिंदू या फिर कोई भी न्यूज़पेपर हो, उसको हर दिन सिस्टमेटिकली पढ़ेंगे। उसको पढ़ने का भी एक तरीका होता है, उसको आपको आप यूट्यूब पे मिल जाएगी आपको, कि हिंदू पेपर को कैसे स्टडी करनी है, उसके ऊपर नोट्स कैसे बनाने पड़ते हैं। हर एक दिन आपको ये करना पड़ेगा। दूसरी बात तो दोस्तों, आप अपनी क्लास 10th 12th की एनसीईआरटी जो है के ऊपर बहुत 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 ही ज़्यादा ध्यान दीजिए, और उसको अच्छे से रिवाइज कीजिए। हर एक छोटी मोटी कॉन्सेप्ट बेसिक्स, ये अपने बेसिक्स को एकदम क्रिस्टल क्लियर बना लीजिए, जिससे कि आपको बेसिक्स में कोई प्रॉब्लम ना हो। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि बेसिक्स पे ज़्यादा ध्यान ही नहीं देते, पर ज़्यादातर क्वेश्चंस दोस्तों एनसीईआरटी के एकदम बेस है, वहाँ से क्वेश्चंस आते हैं और लोग वहीं पे जाते हैं। तो तीसरी बात तो, अभी जाके एक वेबसाइट है onlinekhanmarket.com, वहाँ पर जाइए। वहाँ पर जाके अभी के अपडेटेड हैंड पिक नोट्स अभी के अभी डाउनलोड कीजिए, और उसके बाद उसको अच्छे से स्टडी करना स्टार्ट कर दीजिए। क्योंकि दोस्तों, नोट्स अगर अभी बनाने बैठेंगे तो दोस्तों आपके लिए यूपीएससी तो क्या, प्रीलिम्स भी क्लियर करना इम्पॉसिबल बन जाएगा। सो आप वहाँ पर हैंड पिक नोट्स है डाउनलोड कीजिए अभी, और उसको अभी के अभी पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। क्योंकि कुछ चीज़ें दोस्तों टाइम की मोहताज होती है, टाइम नहीं दोगे तो कुछ नहीं होगा। और सजेशन देना चाहूँगा, नीचे कुछ टेलीग्राम ग्रुप्स के लिंक्स हैं, आप उनको ज्वाइन कर लीजिए। आपको वहाँ पे हर तरह के लोग मिलेंगे जो कि प्रिपरेशन पहले कर चुके हैं, अभी कर रहे हैं, या फिर करने वाले हैं, करने की सोच रहे हैं। क्लास 10th की भी आपको मिल जाएगी, आरआरबी से रिलेटेड, हर एक एग्जाम से रिलेटेड आपको ग्रुप्स मिल जाएगी, जिसपे कि आप अच्छा सा एक एक्सपीरियंस गैदर कर सकते हैं। आपको एक मिक्सचर ऑफ इन्फॉर्मेशन वहाँ से मिल सकती है कि लोग क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, लोग किस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर रहे हैं, ये सब आपको उस ग्रुप से मिल जाएगा। तो आप एक बार जरूर डिस्क्रिप्शन में जाके उन लिंक्स को चेकआउट कीजिए। वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए यही तक रखना चाहूँगा। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई तो एक लाइक ज़रूर ठोकिए। अगर कोई भी प्रॉब्लम है यूपीएससी से रिलेटेड, कोई भी प्रॉब्लम है किसी भी एग्जाम से रिलेटेड, सो नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए। और अगर वीडियो दोस्तों यहाँ तक देख रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।